नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द सेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स। मैं हूं मनीष मिश्रा एंड इन दिस सेशन आई विल ब्रिंग टू यू द डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ द रिसेंटली लॉन्च्ड प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं अभी हाल ही में लॉन्च की गई प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सो दिस स्कीम प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना वाज अनाउंस्ड इन द थर्ड ट्रांच ऑफ द आत्मनिर्भर पैकेज एंड रिसेंटली It has been approved by the Union Cabinet for the financial year 21 to financial year 25. इसका मतलब इसको 5 साल के लिए अप्रूव कर दिया गया है by the Union Cabinet. Now this scheme aims to bring about blue revolution through sustainable and responsible development of fisheries sector in India. जो फिशरीज सेक्टर है उसका डेवलपमेंट किया जाएगा थ्रू सस्टेनेबल मेजर्स एंड ब्लू रेवोल्यूशन लाना ही इस स्कीम का एम है। Alright, and now let's talk about the targeted benefits. क्या क्या benefits होंगे after the implementation of this scheme? So guys, this scheme intends to augment fish production को बढ़ाना and productivity at an annual growth rate of 9% to achieve a target of 22 million metric tons by 2024-25. जो फिश प्रोडक्शन है उसके अंदर इंक्रीज करना, उसकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना एट एन एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 9% और साथ ही साथ 22 मिलियन मेट्रिक टन के टारगेट को अचीव करना है बाय द ईयर 2024-25 और वी कैन से फाइनेंशियल ईयर 25 तक इस टारगेट को अचीव करना है। एंड इट ऑल्सो इंटेंड टू जनरेट अबाउट 55 लाख डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द फिशरी सेक्टर अलॉन्ग बोथ द सप्लाई एंड द वैल्यू चेन। दोनों सप्लाई और वैल्यू चेन में 55 लाख डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट होने की संभावना है। It aims to double the incomes of fishers, fish farmers and fish workers by the year 2024 and as per the government of India जो farmers है उनकी income को double करना है by the year 2022। इसके अलावा it intends to double export earnings, जो export earning है उसको double करना है from rupees 46,589 crores in 2018-19। 2018-19 में जो हमारा export था that was 46,589 करोड़, इसको इंक्रीज करना है टू अबाउट रुपीज 1 लाख करोड़ बाय द ईयर 2024-25। अदर देन दिस, एनहांसिंग प्रोडक्टिविटी इन एक्वाकल्चर फ्रॉम द प्रेजेंट नेशनल एवरेज ऑफ 3 टन्स टू अबाउट 5 टन्स पर हेक्टेयर एंड द रिडक्शन ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस फ्रॉम द रिपोर्टेड 20 to 25% टू अबाउट 10%। अभी जो हमारा पोस्ट हार्वेस्ट लॉस होता है वो अबाउट 20 से 25% के आसपास होता है, इसको रिड्यूस करके कितना लेके आना है, 10% तक लेके आना है। एंड द एनहांसमेंट ऑफ डोमेस्टिक फिश कंजम्पशन फ्रॉम अबाउट 5 to 6 kg टू अबाउट 12 kg पर कैपिटा। पर कैपिटा जो कंजम्पशन है फिश का उसको अबाउट 5 to 6 kg से इंक्रीज करके अबाउट 12 kg पर कैपिटा तक लेके जाना है। सो गाइस दीज आर सम टारगेटेड बेनिफिट्स ऑफ द प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। ये कुछ टारगेट्स रखे गए हैं अंडर द स्कीम। नाउ द टोटल इन्वेस्टमेंट है इस स्कीम में वो कितना है, रुपीज 20,050 करोड़। 20,050 करोड़ रुपीज का इन्वेस्टमेंट इसमें एस्टिमेट किया गया है एंड आउट ऑफ दिस अमाउंट सेंट्रल शेयर इज रुपीज 9,407 करोड़, स्टेट शेयर इज रुपीज 4,880 करोड़ एंड बेनिफिशियरी शेयर इज रुपीज 5,763 करोड़। ऑलराइट, सो ये शेयर है ऑफ द सेंट्रल, ऑफ द स्टेट एंड द बेनिफिशरीज एंड जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगी इस स्कीम के अंदर दैट इज व्हाट, रुपीज 20,050 करोड़। नाउ इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, इस स्कीम के दो कंपोनेंट्स होंगे। एक होगा गाइस सेंट्रल सेक्टर स्कीम और दूसरा होगा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रल सेक्टर स्कीम एंड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम एंड ये दोनों कंपोनेंट्स फिर आगे सब कंपोनेंट्स में डिवाइडेड है और वो है नॉन बेनिफिशियरी ओरिएंटेड एंड बेनिफिशियरी ओरिएंटेड। ओके, दोनों के दोनों कंपोनेंट्स दो सब कंपोनेंट्स में डिवाइडेड है, नॉन बेनिफिशियरी ओरिएंटेड एंड बेनिफिशियरी ओरिएंटेड। सो नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट दिस बेनिफिशियरी ओरिएंटेड एंड नॉन बेनिफिशियरी ओरिएंटेड। सो अंडर सेंट्रल सेक्टर स्कीम नॉन बेनिफिशियरी ओरिएंटेड में क्या होगा, द एंटायर प्रोजेक्ट कॉस्ट विल बी बोर्न बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। पूरा का पूरा कॉस्ट दैट विल बी बोर्न बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब कि 100% सेंट्रल फंडिंग होगी अगर सेंट्रल सेक्टर स्कीम के कॉम्पोनेंट में नॉन बेनिफिशियरी ओरिएंटेड वाला पार्ट है तो। And under beneficiary oriented, the individual or the group activities undertaken by the entities of central government, including the National Fisheries Development Board. All right, the central assistance will be up to 40% for the project cost. अगर जनरल कैटेगरी है तो, लेकिन अगर SC, ST या वुमेन कैटेगरी है तो सेंट्रल का असिस्टेंस जो होगा दैट विल बी व्हाट 60%। ऑलराइट। सो बेनिफिशियरी का जो ओरिएंटेशन है, बेनिफिशियरी ओरिएंटेड जो स्कीम है उसमें जो भी एक्टिविटी होगी उसमें सेंट्रल असिस्टेंस का कंट्रीब्यूशन होगा, सेंट्रल असिस्टेंस होगा 40% इन द जनरल कैटेगरी एंड 60% फॉर एससी एसटी और वुमेन कैटेगरी, ऑलराइट। एंड फॉर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम अंडर नॉन बेनिफिशियरी ओरिएंटेड all the sub components or activities will be implemented by the states or UTs and the entire project or unit cost will be shared between the center and the state, all right। जितने भी सब components और activities हैं वो implement किए जाएंगे states और UTs द्वारा, और जो पूरा project का या फिर unit का जो cost होगा that will be shared between the center and the state। and under beneficiary oriented the individual or group activities under this component is to be implemented by the states or UTs। इसमें भी implement कौन करेगा, state और UT ही करेगा, लेकिन जो financial assistance होगी of both the center and state will be limited to 40% of the project cost for general and 60% of the project cost for SC, ST and women। बेसिकली सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में होता यह है कि जो शेयर होता है वो सेंटर और स्टेट में डिवाइडेड होता है, और जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है उसमें पूरी की पूरी फंडिंग दैट कम्स फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। सो आई होप आपको ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड और जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम में बेनिफिशियरी और नॉन बेनिफिशियरी ओरिएंटेड वाला पार्ट है वो क्लियर है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द शेयर बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट। जो हमने शेयर की बात करी थी कि सेंटर और स्टेट के बीच में कुछ शेयर होगा तो वो कितना होगा वो देख लेते हैं। सो गाइस, अगर कोई स्टेट नॉर्थ ईस्टर्न है या फिर हिमालयन स्टेट है तो सेंटर का जो शेयर होगा दैट विल बी 90% ऑफ द कॉस्ट एंड स्टेट का दैट विल बी 10%। एंड फॉर अदर स्टेट इट इज 60% फ्रॉम द सेंटर एंड 40% फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन यूनियन टेरिटरीज के लिए 100% पूरा का पूरा जो फंडिंग है वो कहां से आएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट से आएगा, ऑलराइट। सो दिस इज अबाउट द शेयर बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट। सो गाइज, आई होप आपको ये स्कीम पूरी क्लियर है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से अगर कोई क्वेश्चन आया तो वो इससे बाहर नहीं होगा, ऑलराइट। इतना अगर आपको आता है अबाउट द प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना देन दैट इज मोर देन इनफ। नाउ लेट्स डू सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द स्कीम। क्वेश्चन नंबर 1 इज फॉर विच पीरियड हैज द स्कीम प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना बीन अप्रूव्ड। कितने पीरियड के लिए इस स्कीम को अप्रूव्ड किया गया है। सो अभी हमने डिस्कस किया दैट दिस हैज बीन अप्रूव्ड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020-21 टू द फाइनेंशियल ईयर 2025, यानी कि इसको 5 साल के लिए अप्रूव्ड किया गया है बाय द कैबिनेट। एंड गाइस, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज जो है, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज इज हेडेड बाय मिस्टर गिरिराज सिंह, ऑलराइट। गिरिराज सिंह एंड हिज लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी इज बेगूसराय। बेगूसराय इज इन बिहार गाइस, ऑलराइट। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 2, दिस स्कीम इंटेंड्स टू ऑगमेंट फिश प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी एट एन एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ डैश to achieve a target of dash metric tons by 2024-25। so अभी हमने पढ़ा था in the जो हमने इसकी targeted beneficiaries पढ़े थे, और जो इसमें जो target रखा गया है उसमें हमने पढ़ा था that इसमें annual growth rate जो है वो कितनी रखी जाएगी 9%, ताकि जो target है वो achieve कर लिया जाए of 22 million metric tons, alright। so therefore guys the correct answer to this question will be option D 9%, 22 million, alright। इसमें जो फिश की प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी है उसमें एनुअल ग्रोथ रेट होगा 9% और टारगेट अचीव करना है कितना, 22 मिलियन मेट्रिक टन प्रोडक्शन बाय द ईयर फाइनेंशियल ईयर 2025। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द टोटल एस्टिमेटेड इन्वेस्टमेंट इन प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। टोटल एस्टिमेटेड इन्वेस्टमेंट बतानी है, तो अभी हमने पढ़ा था कि ए ₹20,050 करोड़ इज द टोटल एस्टिमेटेड इन्वेस्टमेंट इन द प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, और ये 3 पार्ट में डिवाइडेड होगा। इसमें थोड़ा सा शेयर सेंटर का है, थोड़ा सा स्टेट का और थोड़ा सा बेनिफिशियरी का, राइट। सो ये 3 पार्ट में डिवाइडेड होगा 20,050 करोड़। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द शेयर ऑफ सेंटर एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट इन द फंडिंग ऑफ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। सेंटर और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का हमें शेयर बताना है। सो गाइस, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और अगर सेंटर है तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट अगर है तो वो रेशियो कितना होता है, 90:10। नॉर्मल स्टेट है तो दैट इज 60:40, एंड अगर कोई यूटी है तो 100% फंडिंग फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। सो देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज व्हाट, ऑप्शन बी 90:10। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द टारगेट बेनिफिट्स अंडर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ऑलराइट। सो ऑप्शन ए, इट एम्स टू डबल द इनकम्स ऑफ फिशर्स, फिश फार्मर्स एंड फिश वर्कर्स बाय द 2024, यस एब्सोल्युटली करेक्ट। Double export earnings from rupees this to about 1 lakh crores by 2024-25, yes enhancing productivity in aquaculture from the present national average of 3 tons to about 5 tons per hectare. Yes, absolutely correct. And enhancement of the domestic fish consumption from about 5 to 6 kg to about 12 kg per capita. Yes guys, this is also correct. So therefore the correct answer to this question will be what? Option E, all are the targeted benefits. Alright, so question 5 answer is all are the targeted benefits. So guys, this was the last question based on this scheme. I hope आपको scheme clear है. Okay, so that's it for the session. I hope you like it. For more updates, do subscribe our channel and press the bell icon. Thank you so much for watching. Goodbye, take care and God bless.